पहले किसके बारे में बताऊं? अपने बारे में, गगन और शीला के बारे में, या फिर उसके बारे में जिसकी वजह से ये कहानी है? शुरुआत शहर से करते हैं। मेरा नाम शुभेंदु रॉय, उम्र 42 साल। बाल तो मेरे 19 साल की उम्र में उड़ गए थे, तब से लोगों को मेरी उम्र का गलत अंदाजा ही होता रहा। शायद यही वजह होगी कि कॉलेज में मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। अबे लिख तो ऐसा रहा है जैसे तेरी अब 50 गर्लफ्रेंड है, सीधा क्यों नहीं बताता कि तेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड हुई ही नहीं? देखो मैंने तुमसे राय नहीं मांगी, समझे? अरे मैं राय नहीं दे रहा हूं मिस्टर राय, मैं तो तुम्हें आईना दिखा रहा हूं। वैसे तो बड़ी बड़ी हेंकड़ी मारते हो कि मैं सिर्फ सच्चाई बयान करने के लिए लिखता हूं, अब जब अपनी बायोग्राफी लिखने की बारी आई तो सच्चाई गोल कर गए। देखो तुम तो कुछ बोलो मत, समझ गए? सच्चाई जैसे शब्द तुम्हारे मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। अरे यार आर्टिस्ट की तौहीन मत करो, मैंने कब कहा है कि मैं सच्चाई का पुतला हूं? मैं तो एक एक्टर हूं, एक्टर मेरा तो काम ही है झूठ बोलना। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम अपने आप को आर्टिस्ट कहते हो? अपने आप को आर्ट का मतलब समझते हो गगन? आर्ट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी एंड द रिफ्लेक्शन इज ए लाई। गगन जब तुम सुबह शीशे में अपनी शक्ल देखते हो तो रिफ्लेक्शन झूठी होती है। बिल्कुल, वो इसलिए झूठी होती है क्योंकि क्योंकि तुम झूठे हो। आईना तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाता है गगन, तुम्हारी सच्चाई कि तुम झूठे हो। अरे तुमने तो मेरी आंखें खोल दी संसूर दास। अबे तो जबलपुर वापस क्यों नहीं चला जाता, वहां जाके बच्चों को पाठ पढ़ा सत्य का पाठ। देखो तुम बिल्कुल कॉमेंट नहीं करोगे मेरे जबलपुर से आने पर। अरे मैं तो तुझे सच्चाई बता रहा हूं, ये शहर तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है सुकरात। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम जय जगदीश। यह है मेरा रूम पार्टनर गगनदीप सिंह। कभी कभी मन करता है इसका मुंह तोड़ दूं, लेकिन गांधी जी ने कहा था कि हिंसा को किसी भी हालत में बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आज तेरी मौत का पहला दिन, कर बेटा खुदा को याद कर, और जोर से मार। बहन आओ, बहन कुत्ते, आज के बाद तूने इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूं। मैं नहीं देखूंगा। बहन अगर आगे से इसने तुम्हारी इज्जत लूटने की कोशिश की तो मुझे बताना। हाँ फिसिंग ले, फिसिंग। मैं हूं ना। कट। सॉरी ब्रो, लगी तो नहीं, नहीं है, है? है? सर जी कितना अच्छा लगे तुम शॉट। वो फर्स्ट क्लास है भाई, टना टन है, एकदम मिलियन डॉलर शॉट है। बाबे की कृपा है। बेटा काम कर, तू रिलैक्स कर, मैं दूसरा शॉट लगाता हूं। हां जी। और सोनू इधर आ, और छाता लाइए। हां जी। अमन जी, अमन जी, ऑटोग्राफ प्लीज। आज मेरी शूटिंग का पहला दिन था, बड़ा मजा आया। लाइट ऑन दे बेटा। थैंक यू, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। बाबे दी मेहर जी। छाता सर जी आ जा, आ जा बेटा, आ जा। अगला शॉट ना लगता है, एक और ठीक करना पड़ेगा। बिट्टू का मूड ठीक नहीं है। बिट्टू? बिट्टू? अमन, अमन सिंह। दरअसल बिट्टू को ना अपना रोल पसंद नहीं है। लेकिन ये भी क्या बात हुई, एक बार कमिट कर दिए तो फिर पसंद ना पसंद का क्या मतलब? अब मुझे देख लो, बिट्टू ने मुझे कहा गगन यार एक छोटा सा रोल है फिल्म में, कर दे, तू अच्छा एक्टर है, फिल्म को तेरी जरूरत है। मैं मान गया हूँ, रोल तो मुझे भी पसंद नहीं, बट आई एम नॉट क्रिमिंग। वैसे आप अच्छी एक्टिंग करती हैं, नाम क्या है आपका?
शीला गगन प्लीज टू मीट यू ओए लंच ब्रेक 15 मिनट का सिर्फ आप मेरे साथ लंच करेंगे तो मैं बिट्टू को बोल दूं कि मैं उसके साथ वैन में नहीं आ रहा हूं अरे ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है जितनी बड़ी फिल्में सब इसने लिखी हैं ही इज रियली बिग कौन कौन सी अरे गदर द लव स्टोरी लगान द पेनल्टी दिल चाहता है द हार्ट वांट्स कल हो ना हो टुमारो नेवर कम्स और शोले पर शोले तो 30 साल पहले बनी थी हाँ लेकिन आइडिया तो उसी का था ना अरे बचपन से बहुत दिमाग चलता है इसका नाम क्या है इनका ओए शुभेंदु हियर अरे आजा यार अरे कब से तेरी वेट कर रहा हूँ कहाँ है मेरी जान इधर आ इधर आ गले लग जा इधर बैठ गगन शीला दिस इज द शुभेंदु रॉय शुभेंदु ये शीला द हॉटेस्ट न्यू कमर इन टाउन हाय तुझे पता है सब बड़े बैनर्स की फिल्में इसके पास हैं चोपड़ा जौहर्स और दोनों कपूर सब इसकी डेट्स चाहते हैं मुझे यहाँ क्यों बुलाया मैं कुछ काम कर रहा था वुड यू लाइक टू प्ले सम ऑर्डर प्लीज नहीं मैं खाना खा के आया हूँ थैंक यू हमने तो अभी खाना खाया सम डेजर्ट्स मुझे तो मीठा खाना मना ही है अरे तो थोड़ा तो लेना ना थोड़ा तो ले ले नहीं नहीं मैं तो मीठा मीठा खाता ही नहीं यार वो पेट भरा जाता है एब्स मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सो आई विल हैव अ बनाना स्प्लिट संडे विद डबल आइसक्रीम डबल चॉकलेट चिप्स एंड सम वॉलनट्स एंड हनी ऑन साइड प्लीज दैट बी ऑल थैंक यू बाय द वे सर मैं भी एक्टर हूँ पार्ट टाइम वेटर फुल टाइम एक्टर सर कोई रोल वोल हो तो मुझे भी सर बताइए यार ऐसे थोड़ी अरे यार रोल वोल तो बहुत मिलेंगे आप ये बताइए कोई डिस्काउंट डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं सर मैं एक्टर हूँ यहाँ का मालिक एक्टर थोड़ी है सर आप ये सब लेंगे प्लीज थैंक यू सर तुम्हारी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है वेल मीठा थोड़ी कमजोरी है मेरी यू नो आप लोग बैठो मैं दो मिनट में मैं तो बात कर सर या आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स आप जानती हैं मेरे काम के बारे में मैंने तो ज्यादा कुछ टू बी मॉडेस्ट सर मैं बहुत सारी फिल्में देखती हूँ और आपको मालूम है मेरी फेवरेट फिल्में कौन कौन सी हैं कौन कौन सी कदर द लव स्टोरी लगान द पेनल्टी कल होना हो टुमारो नेवर कम्स दिल चाहता है द हार्ट वांट्स और सब शोले अच्छा सब सारी अच्छी फिल्में मुझे भी मेरी भी फेवरेट फिल्म्स हैं सब मुझे तो लगता है ये सारी फिल्में ब्रिलियंट हैं और आप भी ब्रिलियंट हैं Thank you. Bring me your phone, please. Sure. I'll change karke aati hu. Thank you. Pata nahi kya kar raha hai yaar. अरे मेरे शेर मेरे पट्टे तो आ गया वेरी गुड यहाँ क्यों बुलाया तूने मुझे अरे यार मेरे पास पैसे नहीं है बिल देने के लिए ऐसे में दोस्त को नहीं बुलाऊंगा देखा दुश्मन को बुलाऊंगा अबे पैसे नहीं है तो तू इतने महंगे रेस्टोरेंट में क्यों लेके आया उसको अरे यार समझा कर शीला को रेस्टोरेंट बहुत पसंद है यार दिमाग खराब हो गया तू मैंने देखा तूने वो जो डेजर्ट ऑर्डर किया ना उसने वही 350 रुपए का अरे 1700 रुपए से ज्यादा का बिल नहीं आएगा समझा और मेरी बात सुन तू 200 रुपए से ज्यादा टिप मत देना समझा 1700 मेरे पास नहीं इतने पैसे पिछले महीने तो आया ना मनी ऑर्डर घर से नहीं आया था पब्लिशिंग हाउस वालों से आया था ट्रांसलेशन की थी मैंने उनके लिए तो एक ही बात है ना वो भी तेरे घर वाले हुए ना तो ऐश तू कर खर्चा तू करे और पैसे मैं भरूं अरे यार तू सारा कंप्यूटर पे 20,000 रुपए खर्च सकता है इंटरनेट वाले को 5,000 रुपए दे सकता है दोस्त को खाना नहीं खिला सकता क्या यार कंप्यूटर इंटरनेट की बात मत कर मैं राइटर हूं वो काम है मेरा कंप्यूटर की जरूरत है मुझे अरे तो मैं आदमी हूं मुझे औरत की जरूरत है यार शट अप उसकी पोएट्री सुनी तूने ऐसी औरत चाहिए तेरे को तन में जलन इसलिए कहता तू उसे दूर रहना तू मुझे हैंडल करना दे उसे समझाना देख तेरी अय्याशियों के लिए मेरे पास पैसे नहीं बस हो गया खत्म हो गई अरे खत्म हो गई अरे समझा कर मैं तेरे लिए कर रहा हूँ ये सब तेरे लिए अरे वो स्टार है चार प्रोड्यूसरों को मिलेगी तेरे बारे में बताएगी तुझे लिखने का काम मिलेगा इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट तुमने क्या पिया आदमी का हूं भाई आप दोनों से राइटर कौन है सर ये
Kaka, let me give you one advice. Stars can never make you, but they can break you. Writer actor ko banata hai, actor writer ko nahi banata hai. That is why I hate actors, but I love writers. Ye card mera. Come many time, bhai. Tumne kya piya? अबे पहचाना तूने इसको नयन सिद्धवानी जो भी है ड्रंक है पूरी तरह से अबे इसके 24 सीरियल चल रहे हैं टीवी पे और 3 फिल्में बना रहा है ये इसने तुझे खुद कहा को यार इसका मतलब समझता है तू ब्रेक बिग ब्रेक या कंग्रेचुलेशंस यार थैंक्स यार सर तेरे तो निकल पड़ी यार चल सेलिब्रेट करते हैं श्योर व्हाई नॉट चल चल बिल 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 भरते हैं चल बिल भरते हैं बस 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 ड्राइवर साहब यहीं खड़ा कर शेल सॉरी मैं तुम्हें घर नहीं छोड़ रहा हूँ क्या है ना कल अर्ली मॉर्निंग शूटिंग है यू वोंट माइंड ना ओह नो नॉट एट ऑल और वैसे भी अभी ज्यादा लेट नहीं हुआ है ड्राइवर साहब मैडम को सेफली घर पे छोड़िएगा शुभेंदु इसको जरा 500 रुपए दे देना तो ठीक है शेल आई विल सी यू टुमारो वो एक्चुअली क्या लाइसेंस दिखाइए लाइसेंस क्यों लाइसेंस क्यों क्या मतलब है राइट है मेरा दिखाइए वो मेरा पार्ट आज खत्म हो गया ना तो ठीक है कोई बात नहीं मैं काम करता हूँ मैं नयन से बात करता हूँ अगली पिक्चर की फोटो आपकी है जी सर क्या ना मेरा मेन रोल है तो मेरे ऑपोजिट तुम्हारा हो जाए ट्राई करते हैं आप नयन जी को जानते हैं अरे ऑफ कोर्स भाई हमने साथ में तो करियर शुरू किया है मैंने शुभेंदु ने और नयन ने तुम्हें पता है नयन के पास अंडरवेयर खरीदने के पैसे नहीं होते थे मेरे से मांग मांग के पहनता था चट्टी फ्रेंड्स वाओ रियली हां नयन इज टू स्वीट यार वो तो हमारे बिना रह नहीं पाता है अब तुमने देखा नहीं वहां टॉयलेट में भी हमारे साथ ही था हाँ 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 मैंने देखा था आप सबको टॉयलेट से निकलते हुए बिल्कुल मरोड़ क्यों रहा है भाई ये भी तेरा राइट है जगह का भी लिहाज नहीं करता है सॉरी तो कल मैं पक्का तुम्हारे लिए बात करता हूँ एंड कम होम सम टाइम श्योर कहाँ रहते हैं आप ये राइट है यहाँ ऊपर टॉप के 2 फ्लोर जहाँ लाइट नहीं जल रही वाओ हाउ नाइस हाँ लेकिन उसके बाद में हम लोग पीछे चौल में शिफ्ट हो जाएंगे चौल में क्यों एक्सपीरियंस के लिए ना वो क्या है कि शुभेंदु एक बहुत बड़ी पिक्चर लिख रहा है वो मल्टी स्टारर 40-50-60 करोड़ रुपए की पिक्चर है बट इट्स ऑल अबाउट पुअर पीपल एंड आई एम द पुअरेस्ट द हीरो दैट्स वेरी नाइस हां राइट सी यू शेल्स बाय 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 शुभेंदु जी गगन बस कर यार तुझे कभी आत्मग्लानि नहीं होती है तेरी कॉन्शियस तुझे कचोटती नहीं है किस खुशी में तू बेधड़क झूठ पे झूठ बोले जा रहा है उससे हाँ मेरी आत्मा मुझे कचोटती है लेकिन जब मेरा झूठ पकड़ा जाता है तब गगन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बेकार उस भोली वाली लड़की को गुमराह कर रहा है तू एक मिनट उसका भोला भाला डांस देख के तेरे को भोली वाली लग रही है ना वो शट अप ओके जस्ट शट अप अरे यार मैं इतना बुरा आदमी भी नहीं हूँ क्या किया मैंने आराम से बैठ के उसको डिनर करवाया उसके बाद टैक्सी में बिठा के घर भेज दिया और दोनों चीजों के पैसे दिए मैंने हाँ तो गुमराह वो थोड़ी ना हुई तू हुआ अबे घोड़े बेच के सो रहे हो जागो दुनिया वालों यहाँ चोर है गगन चोर है यार पागल हो गया क्या क्या कर रहा है भाग में गंजा नहीं तो पिटेगा गगन क्या हो रहा है यार भाग गंजे भाग भाग क्यों है गंजे मजा आया शाम से आ रहा मजा मतलब तबीयत फड़ गई तेरी बल्ली बल्ली लड़की खोल तेरे दिल की शट अप यार कर वाली खिड़की शट अप क्यों बे शीला पसंद है तुझे मैं लड़कियों को इतना जोर से नहीं देखता हूँ अच्छा क्यों क्योंकि मेरी जिंदगी में और भी बहुत कुछ है करने को अच्छा जैसे कि आर्ट लिटरेचर कल्चर अरे बाप रे ओह आर्ट लिटरेचर कल्चर तो बहुत कुछ है यार ये सब के बाद तेरे पास कुछ टाइम नहीं बचा होगा करने के लिए पैसा तेरे लिए मटेरियल है फ्लर्ट तू करता नहीं तेरा तो पूरा जीवन कला की सेवा में ही बीत जाएगा हाँ ऐसा ही कुछ समझ ले बस खुश है मिस्टर शुभेंदु रॉय तू मेरे से बड़ा झूठा है मैं तो लोगों से झूठ बोलता हूँ ना तू खुद से झूठ बोलता है साले तेरा नहीं दिल करता कि हमारे पास एक अच्छी सी गाड़ी हो हम एक अच्छे से फ्लैट में शिफ्ट कर जाएं मुझे तेरे से बार बार पैसे नहीं मांगने पड़े तू खुद मेरे हाथ में पैसे रख के कहे जा दोस्त ऐश कर हाँ लेकिन इन सब चीज़ों के लिए झूठ बोलना जस्टिफाइड नहीं है गगन Ends don't justify the means. मुझे एक बात बताना मिस्टर शुभेंदु रॉय तुम्हें आज तक किसी लड़की ने कहा है शुभेंदु आई लव यू नहीं नहीं कहा अच्छा अच्छा सुन इधर आ इधर बैठ 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 बैठ
देख शुभेंदु, तूने कम से कम चाहा तो होगा तुझे कोई लड़की कहे शुभेंदु आई लव यू। हाँ अरे हाँ नहीं बोल सकता तो मुंडी तो हिला दे। हाँ तो शुभेंदु तुझे पता है आज तक किसी लड़की ने क्यों नहीं कहा तुझे शुभेंदु आई लव यू? क्योंकि तू शुभेंदु निहायत ही सच्चा और सीधा साधा इंसान है जिसका एक्चुअली में मतलब होता है निहायत ही बोरिंग। तुझे क्या मिलेगा यार सत्य मूर्ति बन के? हाँ सच्चे लोगों में किसी का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारा लेक्चर खत्म हो गया तो मेरा भी एक पॉइंट नोट कर लो। सारी दुनिया रामायण पढ़ती है और रामायण के हीरो हैं राम। रावण निकाल दे फिर देख कौन पढ़ता है। अगर अंत में जीत रावण की हुई होती ना तो कोई नहीं पढ़ता था। झूठ पे सच की विजय और बुराई पे अच्छाई की जीत यही दुनिया का सत्य है। और अगर ये बात तुम ना भूलो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर तू ये बात भूल जाए ना तो तेरे लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। बस कर बस कर। अरे यार तू क्यों हाथ जोड़ता है? मैं हाथ जोड़ता हूं। 2, 2.5, 3.5, 4। Then find a friend. Hello, Mohit. हेलो मोहित, राकेश कोई है? हॉटी 101। हेलो मैं कनक बोल रही हूँ, आई एम फ्रॉम दिल्ली। हू इज दिस? हेलो शिट। गगन मैं निकल रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? नैन सिद्धवानी को मिलने, आज का अपॉइंटमेंट है मेरा। अरे अरे रुक रुक रुक, मैं भी चलता हूँ मैं भी चलता हूँ। गगन तू कहाँ जा रहा है यार? अरे तेरे साथ नैन सिद्धवानी को मिलने। क्यों तू क्या करेगा जाके? अरे समझा कर यार, बड़े आदमी को बिना मैनेजर के नहीं मिलते। मैनेजर मतलब बड़ा इंप्रेशन, बड़ा इंप्रेशन मतलब बड़ी फीस। नहीं यार गगन मत मत कर, गगन छोड़ना यार। हाय हेलो। हाय बेबी, गैग्स हियर। Hi, Gags. Baby, मैं सोच रहा हूँ तुम्हें आज लंच पे ले जाऊँ टिफनीज, लेकिन वो क्या है ना कि शुभेंदु जी के साथ जाना पड़ रहा है मुझे। वो शुभेंदु जी वो ग्रेट राइटर? अरे बेबी ग्रेट नहीं ग्रेटेस्ट। तो क्या है ना शुभेंदु जी की एक बहुत बड़ी बिजनेस डील मुझे फाइनलाइज करनी है नयन सिद्धवानी जी के साथ। अब नयन सिद्धवानी द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ना? बिल्कुल सही पहचाना तुमने बेब। अच्छा ठीक है, तो इस टाइम के लिए सॉरी, नेक्स्ट टाइम ले जाऊंगा तुम्हें मैं टिफनीज, ठीक है? अच्छा अच्छा मेरी बात तो सुनो गैग्स, ये टिफनीज है किधर? अरे भाई न्यूयॉर्क में और कहाँ। अच्छा बेब गुड गो नाउ, ओके आई लव यू। तू उसे न्यूयॉर्क कैसे लेके जाएगा? पैदल। अरे यार तू अकल से इतना पैदल क्यों है यार? कोई किसी को कहीं लेकर नहीं जाता होता, सब इंप्रेशन का चक्कर होता है। हालत जैसी भी हो इंप्रेशन टकाटक होना चाहिए। अच्छा विज्ञान मत है, समझ गया। सॉरी यार। अच्छा सुन तेरे पास ये 500 के खुले हैं क्या? नहीं 500 के तो नहीं होंगे, 300। देख 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 जरा 330 हैं। ला 300 दे दो जरा। कीप द चेंज। अब तो देख ले 500 के इंप्रेशन में 300 खुद चल के आ गए ना टैक्सी। गगन टैक्सी में जाएंगे वहाँ पे? अबे अगर बस में काम पे जाएगा तो कभी अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा यार। टैक्सी के पैसे कौन देगा यार? ये दिए ना तूने अभी। वापिस। आप 15 दिन के बाद आइए। यस मैडम, मिस्टर नैन सिद्धवानी से मिलना था। किस सिलसिले में? ये कार्ड उन्होंने दिया और कहा कम एनी टाइम। काम क्या है? देखिए मैडम, मिस्टर शुभेंदु रॉय बहुत बड़े और बहुत बिजी राइटर हैं और मिस्टर सिद्धवानी पर्सनली चाहते थे कि वो उनके लिए एक कहानी लिखे। अच्छा कहाँ है आपके राइटर? वो देखिए वो सामने बैठा।
अच्छा अच्छा, एक काम कीजिए, आप ही वहीं जाकर बैठ जाइए। मिस्टर सिद्धवानी बिजी है, जब फ्री होंगे तो बुला लूंगी। ओके क्या फायदा हुआ टैक्सी का बेटा? अगर बस में आते ना जिंदगी भर नहीं मिल पाते, छूटते कह देती गेट आउट। अरे उसने थोड़ी ना देखा हम बस में आए कि टैक्सी में आए। यार बेटा सब कुछ देखते हैं ये लोग, बिल्डिंग के अंदर बाहर कैमरे लगा रखे हैं इन लोगों ने। सही बोल रहे हैं भाई साहब। नमस्ते। अरे क्यों मिस्टर फुल टाइम एक्टर पार्ट टाइम वेटर हैं, यहाँ क्या कर रहे हो? एक्टिंग? नहीं सर, एक्टिंग तो कर चुका, चेक्टिंग कर रहा हूँ। चेक्टिंग मतलब? अरे 2500 का जाएगा, 2500 चक्कर लगवा दिए हैं। मैडम मेरा नंबर कब आएगा? मैं आप कतार में है, कृपया वेट कीजिए। अब ले ये लाइन तो सरकारी दफ्तर में भी सुनने को नहीं मिलती। आप चुप रहेंगे वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। सॉरी। समझदार हो भैया, समझदार। देख भाई जो एक्सप्रेशन है तेरे उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर। और जो पर्सन फोन, हाँ एक मिनट यार। हेलो यार जैन भाई कैसे हो? नहीं आपका पैसा तो भाई कहाँ जाएगा, भिजवा रहा हूँ मैं। बात दरअसल ऐसी थी कि वो शादी थी और एक्सीडेंट। हेलो हेलो जन भाई, आपको मेरी आ रही है? हेलो जन भाई, नल नहीं आ रहा जन भाई, नल में आता हूँ। हेलो जन भाई का फोन मत दिया मुझे। ठीक है सर, सॉरी। नॉनसेंस। कैसा था? सर बहुत बढ़िया। पावर ऑफ सटल एक्टिंग, कमाल का शहर है ये। ओके सर आप अंदर जाइए। आप नहीं, आप दोनों अंदर जाइए। चल अभी रुक रुक रुक, क्या हो गया? किसको फोन कर रहा है? चड्डा साहब। गगन क्या कर रहा है यार? अबे इंप्रेशन इंप्रेशन। चल चल। हाँ चड्डा साहब, मैं गगनदीप बोल रहा हूँ, शुभेंदु जी का सेक्रेटरी। कमाल का शहर है ये। नमस्ते। बिल्कुल बिल्कुल चड्डा साहब, कोई बात नहीं। हाँ जी मैं बिल्कुल समझता हूँ, बेफिक्र रहिए। हाँ चड्डा साहब एक मिनट होल्ड करिए प्लीज। हेलो सर, आई एम सेक्रेटरी शुभेंदु जी। एक मिनट सर, कंप्लीट कर लो। हाँ चड्डा साहब मैं समझता हूँ आपकी प्रॉब्लम, लेकिन आप भी समझिए ना, शुभेंदु जी इंसान है, मशीन तो नहीं ना। हैं हैं उन्हें नहीं सर पैसे का कोई चक्कर नहीं है। अब वो प्रोड्यूसर जो है वो राइटर को पैसे नहीं देगा तो किसको देगा? राइटर के बिना खाक बननी है पिक्चर। हाँ अच्छा ठीक है, मैं शुभेंदु जी को कह दूंगा कि आप मार्केट प्राइस से 4 गुना ज़्यादा प्राइस देने को तैयार हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ। ओके जी। हाँ ओके सर। सॉरी सर ये मोबाइल भी अजीब आफत है, कहीं पे भी कॉल आ जाता है। इस कमरे में नहीं आता, इसे खास तौर से लगाया गया है ताकि इस कमरे में ना कोई मोबाइल फोन का सिग्नल आ सके ना जा सके। सॉरी सर। नहीं नहीं काका, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना तुम्हारे बोगस फोन से और ना तुम्हारे राइटर होने से। भाई देखो, राइटर वो है जो लिख सकता है, और अच्छा राइटर वो है जो ज्यादा लिख सकता है। अब वो क्या लिखता है इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, क्योंकि किस्मत की तरह कहानियां यहां पहले से तय हो जाती हैं। वाह सर, किस्मत की तरह कहानियां पहले से ही तय हो जाती हैं। सर आप तो खुद बहुत अच्छे राइटर हैं। नहीं नहीं काका, बात सुन ले पहले, बीच में मत काटा कर बात को, सुन ले अगर जो आदमी बोल रहा है। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ पैसे मांगे ना तो काट के इतने टुकड़े कर दिए जाएंगे कि समझ में नहीं आएगा कि नाक कहाँ है और अंगूठा कहाँ। समझा शाने? तुझे पैसे देने से पहले तेरे नाम की सुपारी ना निकाल दूं मैं? दोबारा फोन मत करना, समझे? क्या है? मैं कुछ नहीं मैडम, इधर से निकल रहा था, सोचा नमस्ते करता चलूं। नमस्ते मैडम। भाई मैंने कहा था ना, आई हेट एक्टर्स बट आई लव राइटर्स। तुम लोग अपने पैसे की फिक्र मत करना, तुम्हारे पैसे एकदम सेफ हैं। देखो भाई जितने पन्ने लिखोगे उसके हिसाब से पैसे मिल जाएंगे, रेट यहां पर एकदम फिक्स है। बाहर मैनेजर बता देगा और कहानी टेप बता देगी। हाँ
थैंक यू। और सुनो भी, देखो ऐसा है, मुझे इस सीरियल में जितने डायलॉग हैं ना आपके उतने डायलॉग चाहिए, न एक ज्यादा न एक कम। हम इस इंग्लिश सीरियल पे बेस्ड कोई सीरियल बनाने जा रहे हैं? सबसे जरूरी है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब बड़ा तू स्ट्रेस मत ले, मैं स्ट्रेस लेता नहीं, ले शुभेंदु। हमें शुभेंदु देगा तू। अरे शुभेंदु, तेरी प्रॉब्लम क्या है यार? मेरी प्रॉब्लम है कि मैं राइटर हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। तो मैं चोरी नहीं करूंगा। अरे यार, तू बात क्यों नहीं समझता है? कहानी की चोरी भी कोई चोरी होती है क्या? होती है। कोई कितनी मेहनत से कहानी लिखता है, एक 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 घटना को जोड़कर एक किस्सा बनाता है, एक एक लफ्ज एक एक डायलॉग से ज़हनियत पैदा करता है, और आप उसे ये उठा लेंगे? ये पाप है गगन, ये चोरी है। वाह न्यायाधीश जी, अबे तू क्यों नहीं समझता कि ये पाप अब कुछ नहीं होता? पाप है गगन, पाप है। अरे कुछ पाप अब नहीं है यार। गगन तू अपनी बात पे अड़मा जाया कर। अरे तू मेरी बात ध्यान से सुन, अंग्रेजों ने हम पर 200 साल तक राज किया, ठीक है? और अगर अब तू अंग्रेजी सीरियल चुरा रहा है तो तू देशभक्ति का काम कर रहा है, बदला ले रहा है हमारे पूर्वजों का। तू शट अप, जस्ट शट अप, ओके? अच्छा ठीक है, एक मिनट। तेरे पास अगले महीने का भाड़ा देने के पैसे हैं? नहीं। नहीं है ना? देन यू शट अप, यू ब्लडी 2% के आदर्शवादी। वैसे इतनी बड़ी बड़ी बातें मारता रहता है, अब जब काम करने का टाइम आया तो गोल हो रहा है। सर तेरी इन बातों की वजह से ना तेरा कोई दोस्त नहीं है, सब तुझे देख के भाग जाते हैं, कट जाते हैं तुझे देख के। पहले मुझे लगता था तू बंबई खुद बर्बाद होने के लिए आया, लेकिन अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता यकीन हो रहा है कि तू बंबई मुझे बर्बाद करने के लिए आया, क्योंकि तू जानता है मैं तेरा दोस्त हूँ और तेरे शहर से हूँ, और साले तेरी हालत पे तरस खाऊंगा और तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। तो इन चीजों का फायदा उठा के ना तू जौ की तरह चिपक गया साले मेरे साथ। गगन मैं तेरी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगा, मैं जानता हूँ तू गुस्से में और तुझे खुद नहीं पता तू क्या बोल रहा है। मैं जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ, और सच्चाई ये है कि मैं इस धरती का रहने वाला कीड़ा हूँ और तू सत्यवादी हरिश्चंद्र है। लेकिन याद रख राजा, हरिश्चंद्र को भी ना सच्चाई के चक्कर में चंडाल बनना पड़ता, चंडाल, और साले तू भी चंडाल बन गया चंडाल। तेरे सामने सब कुछ जल के राख हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है, तू बैठ के तमाशा देख रहा है, यू ब्लडी सैडिस्ट। साला दिन ही खराब है। इधर आ। नहीं शुभेंदु, तुम नाराज मत होना, नाराज मत होना। Are you depressed? Then find a friend. Hi. 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 आप depressed हैं? Depressed? अभी क्यों? नहीं, वो ऐसा chat पे लिखा है कि अगर आप depressed हैं तो friendship कीजिए, chatting कीजिए। Okay, पर friendship करना तो अच्छी बात है ना? तो आपने मुझे अपना फ्रेंड मान लिया? Why you asking like that? आप ही ने तो कहा कि फ्रेंडशिप करना बहुत अच्छी बात है, तो आप अच्छी बातें करने में यकीन नहीं रखती हैं? लेकिन हम फ्रेंड्स कैसे हो सकते हैं, हमें तो एक दूसरे का नाम ही नहीं पता। मैं जानता हूँ आपका नाम, आप कनक हैं दिल्ली से, राइट? तुम्हें कैसे पता? नहीं घबराइए नहीं, आप ही ने बताया था। मैंने? कल 2 बजे दोपहर में। अच्छा अच्छा, तो वो तुम ही थे ना जो पूछ रहे थे कोई है, yeah, है क्या? I'm Shubendu, Shubendu Roy. अच्छा सुनो, जब मैंने जवाब दिया तो तुम भाग क्यों गए? नहीं भाग नहीं गया था मैं। Just pulling your leg यार, दोस्त की टांग तो खींची जा सकती है ना। अच्छा मुझे नहीं मालूम था कि दोस्ती और टांग में इतना गहरा रिश्ता है। तुम बातें पकड़ने में तेज हो। पेशा है मेरा बात पकड़ना। मैं समझी नहीं। I'm a writer. Writer? Interesting. किस तरह के राइटर हो? फिल्म राइटर। आई डोंट बिलीव दिस, कौन कौन सी फिल्में लिखी है तुमने?
हेलो हेलो आर यू देयर कनक अंदर तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही क्या क्या कर रही तुम मैं पूछ रही थी कौन कौन सी फिल्में लिखी है तुमने क्या ये गदर दिल चाहता है लगान कल होना बस यही दो चार साल में हेलो आर यू देयर या आई एम देयर क्या हो गया I mean, is it really you? I mean, sir, आप इतने बड़े आदमी हैं। Please don't call me sir. And और आप भी मत कहो। I'm not that old, यार। How old are you? I'm 24. 24? Yup. कमाल है, unbelievable. इतनी छोटी सी उम्र में आप। तुम। हाँ, तुम इतने successful हो। It's quite incredible, you know. But success is a state of mind, कनक। Okay. तुम भी तो बहुत successful हो। Confident हो। No, I'm not very sure of that. तुम्हारी आवाज में झलक आ रहा है तुम्हारा कॉन्फिडेंस। आवाज में? अच्छा, तो आवाज से तुम और क्या-क्या जान लेते हो? कि तुम बहुत खूबसूरत हो। True or false? Maybe, maybe not. अरे, एक बात के दो जवाब कैसे हो सकते हैं? क्यों? एक सिक्के के दो पहलू नहीं होते? कमाल है, इतने बड़े राइटर हो इतना भी नहीं पता? Beauty lies in the eyes of the beholder. Correct. David Hume ने कहा था। कि खूबसूरती देखने वाले की नजर में होती है लेकिन मैं तो तुम्हें नहीं देख पा रहा ना तो देख लो मैं अपना वेबकैम ऑन करती हूँ हाय कैन यू सी मी आई एम सॉरी कैन यू सी मी आई सी यू दैट्स यू इज दैट यू हाँ बट आई कांट सी यू येट नहीं मैंने वेबकैम ऑन नहीं किया अब मतलब है नहीं मेरे पास मतलब था लेकिन निकाल दिया वो क्या है फैंस वगैरह बहुत तंग करते रहते रहे कि सर आ जाइए एक बार तो मुझे अच्छा नहीं लगता तो वैसे भी मुझ में ऐसा कुछ है नहीं देखने को खास मैं समझी नहीं नो मीनिंग व्हाट इज देयर आई एम जस्ट अ रेगुलर 24 ईयर ओल्ड गाय यू नो हाइट 6 फुट 1 हाफ इंच और बाल ब्लैक घने अभी लंबे भी हो गए हैं और फुटबॉल वगैरह खेलता हूँ तो बॉडी थोड़ी कड़क है माय फ्रेंड्स कीप टेलिंग मी कि तू तो मॉडलिंग कर साले तुम राइट हो या मॉडल मॉडलिंग की है मैंने लास्ट ईयर चाय ले 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 सॉरी यार मैं कल रात को कुछ ज्यादा ही भड़क गया था कल रात मुझे सच्चाई का एहसास हो गया गगन देख भाई प्लीज दिन की शुरुआत झगड़े से मत कर यार नहीं गगन मुझे एहसास हो गया कि मैं गलत हूँ अरे नहीं यार मेरा ये कहने का मतलब नहीं था यार तू समझ क्यों नहीं रहा है गलत तो मैं अब तक समझ रहा था कल रात को भीतर जाने के बाद भी मैं खुद को समझाता रहा कि तू गलत है और मैं सही हूं लेकिन फिर कुछ अजीब सा हुआ मेरे साथ एक लड़की के साथ मुलाकात हो गई मेरी लड़की से रात को इंटरनेट पे एक चैट साइट पे खूब बातें की हमने और खूब झूठ बोला मैंने उससे गगन मैंने उससे बोला कि मेरे काले लंबे बाल हैं कि मैं 24 साल का हूं कि मेरी सिल्वर स्टालोन जैसी बॉडी और मैंने फिल्में लिखी है पता कौन सी लगान गदर दिल चाहता है वाह मेरे शेर वाह फिर वो क्या बोली मुझसे दोस्ती करोगे अबे ये क्यों बोला ये फिल्म क्यों बोला तूने लिखी है नहीं गगन वो मुझसे बोली मुझसे दोस्ती करोगे मुझे झूठ की महत्ता का एहसास हो गया गगन और सच में देखना जिंदगी है क्या एक ख्वाब एक छलावा जो सच है वो सब झूठ है और जो झूठ है वो तो है ही झूठ कल रात तक के मेरे सारी जिंदगी के सच ने मुझे क्या दिया सिर्फ दुख और तकलीफ और एक रात के झूठ ने मुझे क्या दिया गहरी नींद कॉन्फिडेंस एक लड़की से दोस्ती सुबह उठा तो दुनिया बदली हुई दिखी लगा जैसे रंग बिखरे हुए आसपास जैसे खुशबू महक रही हवा में जैसे मन पंख लगाकर सातवें आसमान पर उड़ रहा है गगन अबे प्यार तो नहीं हो गया तेरे को हो तो गया थैंक यू
रात भर जागता रहा, सोचता रहा कि क्यों धड़क रहा है मेरा दिल, ऐसा क्या खास हो गया मेरी जिंदगी में तुम्हारे आने के बाद। जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ना तो ऐसे ही होता है। करेक्ट, तुमसे मिलने से पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था कि ब्लड में प्रेशर होता है, बिल्कुल ठंडा था मैं। जब इमोशंस डेड हो जाए ना तब भी ऐसे ही होता है। लवली ऑब्जर्वेशन, ठंडा क्या डेड ही था मैं तो। शेल्स तुम सही कह रही हो, ये शहर है ना यहाँ थोड़ा टाइम रह जाओ ना तुम्हारे सारे इमोशंस खत्म कर देता। अभी मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ 2 मंथ्स हुए हैं यहाँ के, शायद थोड़ी देर में पता चल जाए। बड़ी जलन होती तुमसे, तुम्हारे सारे इमोशंस है ना अभी भी इंटैक्ट है। एक्चुअली तुम्हारी खूबसूरती का राज भी यही है। तुम फ्लर्ट कर रहे हो मुझसे? तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं पता। कभी शीशे में देखा तुमने अपने आप को? कितनी इनोसेंट लगती हो तुम। झूठ बोल रहे हो तुम। क्यों, इनोसेंट नहीं हो तुम? हाँ हूँ, पर वो इनोसेंट वाली बात नहीं, वो खूबसूरत वाली बात। झूठ है? झूठ है? हाँ सच में झूठ है। चलो झूठ नहीं है तो फिर झूठ क्यों कहा? अच्छा सॉरी, गलती हो गई। सॉरी वरी से काम नहीं चलेगा। तो फिर क्या करूं? पप्पी दो ना एक छोटी सी गाल पे। एक्सक्यूज मी मिस्टर, आई एम अ प्रोफेशनल, प्रोफेशनल एक्ट्रेस। तुम जानती हो तुम्हारी इज्जत मेरे दिल में कितनी बढ़ गई है। बाय द वे कल मैं डिनर के बाद बिट्टू के घर पे गया था, ही वाज क्वाइट जेलस टू नो कि मैंने डिनर तुम्हारे साथ किया। जेलस क्यों? अरे उसे लगा कि हमारा कोई अफेयर चल रहा है। तो तुमने उन्हें बता दिया ना कि मेरा तुमसे कुछ लेना देना नहीं है? मैंने तो उसे छूटते कह दिया था कि तुम प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनल एक्ट्रेस। अच्छा ये बताओ अमन जी ने क्या पूछा मेरे बारे में? हाँ कह रहा था कि वो घर पे पार्टी रखने वाला है कि मैं तुम्हें अपने साथ में ले आऊं, लेकिन अब तुम तो मेरे साथ आओगे नहीं क्योंकि तुम तो मेरे से अपसेट हो ना। अरे मैं अपसेट नहीं हूँ स्टूपिड, लड़कियां तो ऐसी बात करती हैं, समझते नहीं हो तुम। हाँ मैं तो लड़कियों को समझ ही नहीं पाया हूँ। अच्छा ये बताओ ये पार्टी किस खुशी में? उसकी शादी की सालगिरह है ना। अमन जी शादीशुदा है? हाँ उसके तो 3 बच्चों का जन्मदिन भी उसी दिन है, उसकी जिंदगी में सब कुछ एक ही दिन में हो गया था। जाओ गोदाम में रखा है, जाओ ले लो। मोना जी सबको इतना टाइम लगता है क्या? व्हाट? नहीं मतलब चेक मिलने में सबको इतना ही टाइम लगता है क्या? अब वो तो मांगने वाले पे डिपेंड करता है। मतलब जो दिल से मांगता है उसे सब मिलता है। थैंक यू। यू वेलकम। वेलकम। अच्छा तुम्हारे घर पे कौन कौन है कनक? सभी, मॉम, डैड, मेरा बड़ा भाई रुबल। अच्छा दोस्त नहीं है तुम्हारे? व्हाट डू यू मीन दोस्त नहीं है? कितने सारे दोस्त हैं मेरे, दीपा, मानसी, रौनक, श्रीशा, ओके, और टोनी। टोनी मेरा सबसे क्लोज फ्रेंड है। अच्छा टोनी क्या करता है? टोनी कुछ नहीं, स्पॉटी टाइप है, दिन भर बस खेल कूद उछलता रहता है, पागल है। ही इज यंग? हाँ अप्रोक्सीमेटली माय एज। तुम्हें स्पोर्ट्स का बहुत शौक है? ओह आई लव इट, इनफैक्ट तुम भी तो सॉकर खेलते हो। अच्छा बताओ तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन है? माइक टायसन। टायसन वो तो बॉक्सर है ना? No, not that Mike Tyson. This is Mike Tyson 2, उसका बेटा। US के लिए फुटबॉल खेलता, तुम्हें नहीं पता? Ronaldo is from Brazil, center forward. 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 Babita is from Brazil, center forward. Babita is from Brazil, center forward. Babita. 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 Babito. Babito is from Brazil, center forward. Babito is from Brazil, center forward. Babito is from Brazil, center forward. Beckham is from England, midfield. Beckham is from England. Bend it like Beckham, wala. Is pe to film ban chuki hai, boss. Ye naam to ho gaya. Beckham is from England midfield. Beckham is from England midfield. Baby, from Brazil center forward. Baby, from Brazil center forward. Ronaldo from Brazil center forward. Actually, मुझे रोनाल्डो से better Rivaldo लगता है. But I'll tell you, Beckham is the best. But you know what? What? Maradona के साथ अच्छा नहीं हुआ. Maradona? Argentina ना Maradona. क्या हुआ Maradona को? कैसे soccer player हो तुम? इतना भी नहीं जानते कि Maradona को drugs की आदत लगी हुई थी?
Now he's in the rehab. Kanak, wo purani ho gayi baat. He's absolutely all right now. He's fine. Last week uski mail aayi thi. He's okay now. Sorry, what? What? Tum Maradona ko jante ho? Hoti hai kabhi kabhi baat beech beech mein. He's an old family friend. No way. अच्छा तुम्हारा वो फ्रेंड कैसा है वो टोनी ही इज माय लव लेकिन बहुत गुस्सा करता है उसे जब पता चला मैं तुमसे चैटिंग करने आ रही हूँ तो झगड़ने लगा ये देखो ब्रूस तुम्हारे पेरेंट्स को पसंद है वो ओह दे हेट हिम पर क्या करें आई लव हिम आई लव हिम यू लव हिम कौन है ये ए कनेक्ट कौन है ये ए कौन है यार निकालो बाहर इसको अबे बाहर निकालो इसको चलो हे ब्रो वी शूटिंग हियर मैन जब आप साइड पे बैठ जाएंगे प्लीज थैंक यू या विल डू वन मोर खान साहब अर्जुन अर्जुन रामपाल अर्जुन जी आई एम अ बिग फैन मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ मैंने आपकी सारी फिल्में देखी हैं और वो पहली बारी भी ना नाम मैं भूल गई बट एनीवेज ऑटोग्राफ श्योर यू हैव अ पेन यस ये लीजिए अर्जुन जी गॉगल्स वाह हेलो आपका नाम शीला शीला नायर नाइस नेम By the way, I'm also an actress. Great. Sir, I'm also... ये मेरे secretary, Gagandeep. Yeah. Great. Take good care of him, man. Good luck. छी, ये सब ठीक नहीं हो रहा है, मोना जी. जो होता है, अच्छे के लिए होता है. मुझ गरीब को चेक नहीं मिल रहा इसमें क्या अच्छा है देखिए आपको लगता है आपका एक चेक मारा गया और मुझे दिख रहा है कि आपके पांच चेक बनने जा रहे हैं वो कैसे देखिए अगर आपने प्रोड्यूसर से पूरे पैसे ले लिए तो वो दोबारा आपको कभी नहीं बुलाएगा लेकिन अगर आपने आधे पैसे मांगे तो वो आपको 10 बार बुलाएगा क्योंकि आपने उसे 50% का डिस्काउंट दिया है तो हो गए ना 10 काम के 5 चेक तो मतलब मैं उनसे आधे पैसे मांगू मैडम वो क्या है कि सॉरी मैडम कल रात मैं पूरी रात सो नहीं पाया रात को मैं यही सोच रहा कि मैं सोता था उठ के फिर मुझे लगा कि मैं कैसे ये आधा हेलो हाँ बोल बेटा तुझे आधे पैसे चाहिए आधे पैसे देने के बजाय मैं तुझे आधा ना कटवा दूं 6 फुट का है पूरे 3 फुट का रह जाएगा रख दे फोन हाँ क्या सोच रहा था तू सारी रात नहीं कुछ नहीं यही कि जैसे ही सवेरा होगा मैं आपको नमस्ते कराऊं नमस्ते मैडम शुभेंदु आई देयर शुभेंदु हेलो ओके हाय कनक हाय कहाँ थे इतने दिन हाँ नहीं कुछ काम में फंसा हुआ था व्हाई डिड यू मिस मी आई थिंक सो अच्छा तुम्हारा टोनी कहीं बाहर गया हुआ था क्या वो अगर जाना भी चाहेगा तो जाने थोड़ी ना दूंगी उसे मैं इनफैक्ट वो आज तुमसे मिलना चाहता है ही जस्ट वांट्स टू से हेलो कनक मुझे थोड़ा कुछ I'm a little busy. Another time. अरे हेलो तो कह दो नहीं तो बेचारे का दिल टूट जाएगा उसका दिल टूट जाएगा और तुम्हारा टोनी को अगर कोई हर्ट करे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता Meet my baby Tony. Okay. Hi, Tony.
Hi, I'm Tony. ये टोनी है. This is your Tony. Hi, Tony. Hello. I can't check you out. Good to see you, Tony. अच्छा सुनो, अमन जी की पार्टी का क्या हुआ? अरे वो तो कैंसिल हो गई ना. कैंसिल क्यों? अरे मैंने बिट्टू से कहा, मैंने कहा अपने जन्मदिन वाले दिन तू यहाँ बम्बई में मेहमानों को झेलेगा, तू एक काम कर फैमिली को ले और स्विट्जरलैंड चला जा. तो इसका मतलब अमन जी अपनी एनिवर्सरी पे यहाँ नहीं होंगे? नहीं, लेकिन हम लोग डिनर के लिए चलेंगे ना. अरे मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना. महालक्ष्मी फिल्म सीरियल नंबर 355 मुहूर्त एपिसोड टेक वन एंड क्लैप एक्शन. जली को आग कहते हैं, बुजी को राख कहते हैं. जिस राख से बारूद बनती है उसे राख प्रकाश कहते हैं. आग लगा दूंगा ये आसमान जला दूंगा, तेरी याद में जन्म ये जहां हिला दूंगा. कट. कोई गाली नहीं है, मेरा शेयर है तू. और भाई प्रेस वाले आया, ले लो इंटरव्यू ले लो इसका. हां जी, चलो जी, आइए, लेट्स सिट हियर. अमन जी, मैं शीला. हेलो जी, आपके लिए. थैंक यू जी. अब बैठो जी, बैठो बैठो जी, बोलिए. अमन जी, सुना है आप टीवी छोड़ रहे हैं? नहीं जी, टीवी कहाँ जी. और ये तो... दीदी के लिए. कौन दीदी? आपकी वाइफ और आपके तीन बच्चे, इसमें तीन और, उन तीनों की. अमन जी, आपकी शादी हुई है और बच्चे भी? अरे नहीं, ये झूठ बोल रही है. किसने भेजा आपको? शर्म नहीं आती ऐसी बातें बोलते हुए? हाँ निकल यहाँ से, मेरा करियर बर्बाद करने आई है ना. चलो सिक्योरिटी, चल बाहर जाए यहाँ से. जेल भिजवा दूंगा मैं आपको. मेरा करियर बर्बाद करना चाहती है? मैं जानता हूँ तुझ जैसों को, पुलिस में दे दूंगा. चल गेट आउट. अमन जी, सिक्योरिटी जाए यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं. चल निकल, देख क्या रही है. How dare you? अरे डार्लिंग, मैं तो कॉस्ट्यूम डिस्कस कर रहा हूँ. How dare you? क्या हुआ? झूठ कैसे बोला तुमने मुझे? झूठ कैसे बोला कि अमन जी शादीशुदा है? अपना दोस्त कहते हो तुम उसे? अरे उसका तो ड्राइवर भी तुम्हें नहीं जानता होगा. Oh, come on, शीला, उस दिन तुमने भी तो खड़े खड़े मुझे अपना सेक्रेटरी बना दिया था. मैंने कुछ कहा क्या? लिसन मिस्टर गगनदीप सिंह, मैं अपना घर अपनी फैमिली छोड़कर इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे स्टार बनना है और मैं बनूंगी. और जिस दिन मैं स्टार बन गई, मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगी. अरे समझ गए? मैं तो पहले ही बर्बाद हुआ पड़ा हूं तुम्हारे चक्कर में, और कितना बर्बाद करोगी मुझे? यू आर अ ब्लडी लूजर. आई एम एन एक्टर. यू आर नथिंग. बेबी प्लीज अंडरस्टैंड. शट अप. यू शट अप. कब से प्यार से बात करते जा रहे हो, साल सर पे चढ़ती जा रही हो तुम. शुभेंदु, शुभेंदु, आर यू देयर? हाय, हाय बेबी. डोंट कॉल मी अ बेबी. नो, आई डिडंट मीन इट लाइक दैट. आई मीन अ बेबी, यू नो, अ बेबी नाम. बच्ची नहीं हूं मैं. आई एम नॉट अ बेबी, ओके? आई एम अ बेब. ओह, यू आर अ बेब सडनली? हाँ, क्या हो गया, कैसे? वन सेक. क्या बात है भाई? आज का पेपर उठाओ. उठा लिया. मैगजीन सेक्शन खोलो. खोला. क्या देखा? कुछ नहीं, मिस इंडिया पार्टिसिपेंट्स हैं, दिलीप कुमार और सारा बानो का फोटो है, फाल्के अवार्ड, रेखा एंड नाना टू बॉयकॉट यात्रा प्रीमियर. व्हाट? फिर से देखो. कनक योर फोटो, कनक योर फोटो इन द पेपर. राइट, अब बताओ मैं बेबी हूं या बेब? कनक, यू पार्टिसिपेटिंग इन मिस इंडिया? माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस. दिस कांट बी यू. दिस कांट बी यू कनक. क्यों? मैं फोटो में अच्छी नहीं लग रही? बहुत अच्छी लग रही हो कनक, बहुत अच्छी लग रही हो. बाकी लड़कियां मुझसे ज्यादा सुंदर हैं? नो 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 नो, आई डिडंट मीन दैट एट ऑल. तुम खुश नहीं हो? मैं बहुत खुश हूं कनक, मैं बहुत खुश हूं, इतना कि मैं बयान नहीं कर पा रहा. कॉन्टेस्ट 15 दिन बाद है, पता है किधर? कहां? बॉम्बे में. Oh. इसका मतलब समझते हो? No, what? इसका मतलब ये है कि मैं 15 दिन बाद तुमसे मिलने वाली हूँ. So, Mr. Writer, Model Shubendu Roy, मिलोगे ना? हाँ मिलूंगा ना.
can't wait to meet you, yeah. Sidhani ji, मैं बड़े दिनों से एक बात सोच रहा था। वो क्या है ना कि सर, कॉलेज के दिनों में मैं गोल्ड मेडलिस्ट था एक्टिंग में। वो क्या है कि अब शुभेंदु मेरा दोस्त है तो मैं उसकी मदद करने लगा हूँ, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे अंदर के एक्टर का क्या होगा, क्या वो ऐसे ही घुट घुट के मर जाएगा? भाई अगर मर जाए तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन मैनेजर की जगह खाली है, आके ज्वाइन कर लेना। सर मतलब आप कह रहे हैं कि मैं एक्टिंग छोड़ के प्रोडक्शन करूँ? ओ नहीं काका, मैं कह रहा हूँ कि जो काम कर सकते हो सही तरीके से जिंदगी में वो करो। चार कुत्ते चार घोड़े दो बंदर एक सांप और 10 बॉयज 30 गर्ल्स और 100 डांसर जो है सुबह सुबह 9 बजे शूटिंग पे टच कर जाने चाहिए, लेट नहीं होने चाहिए। जी सर। ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते भाई। अब सूजी बेबी। क्यों बेटा, आज ही मौत आई है तेरी, मरना है? मरवा दूं, भाई को फोन कर दूं? बोल आज मरना है या कल, क्या है? क्या है? कुछ नहीं मैडम, इधर से निकल रहा था, सोचा नमस्ते करता चलूं। नमस्ते। ओ भाई गगनदीप सिंह, यार मुझे उदास चेहरों से बड़ी सख्त नफरत है यार। सर मैं उदास नहीं हूँ सर, मैं कंफ्यूज्ड हूँ सर। क्या कंफ्यूजन है तुझे है? सर आपके कहने पे मैंने एक्टिंग छोड़ के प्रोडक्शन का काम शुरू तो कर लिया है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है मैंने सही किया या नहीं। ओ काका बात सुन, वक्त सब देता है यार, टेक लाइट, कम टू द रूम, आ जा। हेलो शीला, शीला तुम ही हो ना? गगन जी आप तो हमें भूल ही गए, इतनी छोटी सी बात पे हमसे नाराज हो गए हा? अरे मैं कहाँ नाराज हुआ हूँ, तुम ही जकड़ के निकल गई थी उस दिन। अच्छा सुना है तुम नयन सिद्धवानी के यहाँ प्रोडक्शन मैनेजर बन गए हो और हमें काम तक नहीं मिला, अब ये कोई अच्छी बात है क्या? अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कब मिलवा रहे हो नयन सिद्धवानी से? बेबी बिजी हैं आजकल वो थोड़ा। ओ कम ऑन गैग्स, उन्हें फ्री करना तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। देखो डार्लिंग, तुम तो सिद्धवानी जी को मिल लोगी, तुम्हें रोल मिल जाएगा, मुझे क्या मिलेगा? अब मैंने मना किया है कभी तुम्हें किसी बात के लिए? अरे अरे ये क्या कर रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो? अरे अपने घर लेके जा रहा हूँ और क्या। नहीं बहुत देर हो चुकी है। बेबी आज तुम्हारी जिंदगी का कितना बड़ा दिन है, मैंने तुम्हें सिद्धवानी जी से मिलाया, उन्होंने तुम्हें पसंद किया, सीरियल में रोल दिया, कितना कुछ किया मैंने तुम्हारे लिए, तुम मेरी इतनी छोटी सी बात नहीं मान सकती? तुम्हारी बात मानी तो तुम्हारे साथ डिनर के लिए गई थी ना मैं। हाँ लेकिन डिनर कितना हैवी था, और हैवी डिनर के बाद कॉफी पीनी चाहिए। तो कॉफी पीते वक्त मेरी क्या जरूरत है? कॉफी अकेले नहीं पीनी चाहिए, एसिडिटी हो जाती है। तुम अकेले थोड़ी ना हो, तुम्हारे वो फ्लैटमेट है ना शुभेंदु जी, उनकी तो मैं कब की लेट नाइट की टिकट कटा चुका हूँ, आराम से बैठ के पिक्चर देख रहे होंगे। हाँ ओ तो मुझे यहाँ प्लान बनाकर लाए हो तुम। और प्लान बहुत सिंपल है, मैं कॉफी पीऊंगा और कॉफी मैं अकेले नहीं पीऊंगा। जो 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 कहाँ हो तुम, कहाँ हो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। देखो पास बताना। तुमको एक जरूरी बात बतानी है। Stay away from me। मैं कह रहा हूँ कि तुमको एक जरूरी बात बतानी है। मैंने कहा ना पास बताना। अरे जरूरी बात है कान में बतानी है। घर में कॉफी नहीं है। तो अब क्या करेंगे? एक्सरसाइज। देखो मुझे डर लग रहा है, लाइट किधर है? स्विच तुम्हारे राइट में है, खुद ही जला लो ना। सॉरी 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 सॉरी। अरे
शुभेंदु तू घर पे ही है? अरे हम लोग तो घर पे कॉफी पीने आ रहे थे। अच्छा वो तू घर पे, तीनों साथ साथ बैठ के कॉफी पियेंगे। बैठ ना, तू मिला है ना शीला से? शीला, 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 घर कहाँ आई मुर्गी निकल गई साले कंजे से। ये क्या कर रहा तू? टेंशन हो गई है, शांत हो रहा हूं। ये करने से टेंशन दूर हो जाती है? बिल्कुल, मैं भी करता हूं। तेरे को क्या टेंशन हो गई? तेरे को क्या टेंशन है? अरे मेरी टेंशन तेरी समझ में नहीं आएगी, तू बता तुझे क्या टेंशन है? वो आ रही है यार। वो कौन? कनक। कनक कौन? अरे मेरी इंटरनेट वाली दोस्त यार, कनक। वो बॉम्बे आ रही है। अरे आ रही है तो क्या? वो कह रही है मुझसे मिलना चाहती है। तो मिल लेना। नहीं मिल सकता यार गगन। क्यों? गगन मैंने उसको झूठ बोला है यार। मैंने उसको बोला मैं 24 साल का हूं, मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूं और मेरे काले घुंघराले बाल हैं यार। हा? क्या? हाँ ये तो वाकई में टेंशन है। हाँ यार क्या करूं यार गगन। तू फिक्र मत कर, तू बेझिझक जाके मिल उसको। क्या बोल रहा है गगन? अरे मैं सही कह रहा हूँ यार, ये इंटरनेट पे सब एक दूसरे को झूठी बोलते हैं। जैसे तूने उसको झूठ बोला, उसने भी तुझे अपने बारे में झूठी बोला होगा। वो कोई मोटी सी काली सी मिडलेज औरत होगी। वो ऐसी नहीं है यार। अरे ऐसी नहीं है तो कैसी है यार तेरी कनक? ये क्या अखबार में फोटो छपा है? हाँ। क्या हुआ भाई? मिस इंडिया के फाइनलिस्ट में सिलेक्ट हुई है, ये वाली। ये तेरी वाली कनक? हाँ। ले, मर गए। क्या हुआ? फिर से टेंशन हो गई है साले। बहुत हंसेगी तुझ पे जब मिलेगा। नहीं हंसेगी नहीं, पकड़ के मारेगी तुझे। साले इतना गंदा झूठ बोला तूने। तू बता ना क्या करूं गगन। भाग जा। भाग जाऊं? कहां? अमेरिका। बोल हॉलीवुड में नई फिल्म साइन की है, स्टोरी सेटिंग के लिए जाना है। मिलने से भी बच जाएगा, इंप्रेशन भी पड़ जाएगा, है ना? अच्छा आइडिया। अच्छा आइडिया, लेकिन तो भी यार। क्या तो क्या? तो मैं भी तो उससे मिलना चाह रहा हूं यार गगन। अबे तू पागल हो गया? मैं क्या इतना बदसूरत दिखता हूं गगन? बता तू पसंद नहीं करता मुझे? अरे वो बात नहीं है यार, मैं तेरा दोस्त हूं, मैं तुझे समझता हूं। तो वो भी तो दोस्ती है, समझ जाएगी वो भी। प्लीज यार गगन। अरे क्या बोलूं तुझे यार। सब लोग कहते हैं तन की सुंदरता से मन की सुंदरता ज्यादा बड़ी होती है, सब कहते हैं। तो वो मेरा मन पहचान लेगी ना गगन? बोल ना गगन, पहचान लेगी ना? अच्छा ठीक है, तू जा मिल उसे, लेकिन मिलने से पहले अपनी मरम्मत करा लेना, समझा? मरम्मत? बाल तो काटे नहीं इसने, पैसे किस बात के लिए गए इतने सारे? अबे तेरे सर पे बाल काटने के पैसे नहीं लगते, बाल ढूंढने के पैसे लगते हैं। कनक कहाँ पे? हेलो कहाँ? हेलो चुका चुका चुका। शुभेंदु? हाँ 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 कनक, मैं हूँ। हाय हाय। लिसन, 15 तारीख को मैं बॉम्बे आ रही हूँ। मैं आता हूँ एयरपोर्ट पे लेने। हाँ गुड। मैं ऑर्गेनाइजर्स को कह दूंगी कि अपनी काना भेजे, मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगी। वैसे भी मेरा पहला दिन फ्री है। ओके ओके, सो लंच साथ ही करते हैं हम। डन। फाइन। पता है शुभेंदु, आई एम रियली एक्साइटेड टू कम टू बॉम्बे। ऑब्वियसली मिस इंडिया में सेलेक्ट होना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। हाँ वो तो है, पर ज्यादा एक्साइटमेंट है तुमसे मिलने का। पिछले 6 महीने से तुम तो मुझे रोज देख रहे हो, मैं तुम्हें पहली बार देखने वाली हूँ। आई एम डैम एक्साइटेड। कनक मुझे कुछ एक जरूरी काम के लिए बाहर जाना, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके ओके बाय। क्या ये चश्मा पहन के नहीं जाएगा तू?
गगन मैं चश्मे के बगैर मुझे दिखता नहीं है यार। अरे तो प्यार में दिखता किसको है? गगन चश्मा दे यार। अरे तेरे को अब दिखता नहीं है, मुझे सुनाई नहीं देता, चल उठ के कॉफी बना। गगन पेपर आज का है? आज दिखाई दे रहा। आते हैं। ओए! लड़कियों के लिए सरप्राइजेस बहुत जरूरी होते हैं। You know, I mean, they like them. अच्छा, उस दिन शुभेंदु जब फ्लैट में आया था तो तुम भी तो सरप्राइज हो गई थी, तो चली क्यों गई? I mean, good surprises, not bad surprises. Stupid. मैं क्या सरप्राइज दूँ उसे? कुछ भी, anything. Dress, necklace, sandals. अरे तो गिफ्ट बोलो ना, सरप्राइज सरप्राइज क्या लगा के रखा है? अरे गिफ्ट का मतलब ही सरप्राइज होता है। इसमें गिफ्ट में क्या सरप्राइज होता है? ये तो हर लड़की को पता होता है कि लड़का उसे गिफ्ट देने वाला है, इसमें सरप्राइज की क्या बात हुई? That's what I mean. जो उन्हें मालूम होता है, that's a good surprise. और जो लड़कियों को नहीं मालूम होता, that's bad surprise. Stupid. अच्छा। ये इन्हीं को दे दो। ये लो, bad surprise. फिर मत बोलना कि कभी सरप्राइज नहीं दिया। Stupid. लेकिन मैं तो जानता भी नहीं उसे पसंद क्या है। हाँ? तो पूछ लो ना। ओके, आई विल आस्क। कनक, तुम्हें गिफ्ट पसंद है? व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज दैट? गिफ्ट किसे नहीं अच्छे लगते? क्यों, तुम मेरे लिए गिफ्ट ले रहे हो? सोच रहा था, लेकिन मुझे तो पता नहीं है ना तुम्हें क्या पसंद है क्या नापसंद। एक्सपेंसिव थिंग्स नापसंद है, और प्यार से दी हुई हर चीज पसंद है। कनक, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। कैसी हूँ? तुम इनर ब्यूटी को समझती हो, बाहरी दिखावे से तुम्हें कोई लगाव नहीं है, एंड दैट्स वंडरफुल। तुम्हें किसने कहा कि मुझे बाहरी दिखावे से लगाव नहीं है? अरे, गिफ्ट से ज्यादा मुझे उसका रैपर पसंद है, और मेरा फेवरेट है प्योर व्हाइट विद अ रेड रिबन ऑन टॉप। अरे, धीरे भाई। अबे, ये क्या है? गिफ्ट है कनक के लिए। अभी तो तू सफेद में क्यों पैक करवा के ले आया? गोल्ड सिल्वर नहीं मिला क्या? उसे सफेद ही पसंद है। वाह भाई, लड़की साधु संत मालूम होती है। लेकिन अब तू नहीं संतगिरी झाड़ना शुरू कर देना, समझा ना? तू वो फर्नीचर मोटरसाइकिल पे नहीं जाएगा उसको मिलने के लिए, मैं कार बुक करा रहा हूँ तेरे लिए। गगन, क्या जरूरत है यार? गगन बेकार। हेलो चटा ट्रेवल्स? जी हाँ, देखिए मैं ओम महालक्ष्मी फिल्म से गगनदीप सिंह बोल रहा हूँ। जी हाँ, देखिए हमें कार चाहिए विद शोफर इन प्रॉपर यूनिफॉर्म। कार पहले घाट को पर आएगी, फिर उसके बाद एयरपोर्ट, उसके बाद कोलाबा। कितने रुपए लगेंगे? $10,000। अच्छा, मीडियम रेंज की कार हो तो? $5,000। अच्छा, अगर कार घाट को पर ना आए, सीधा एयरपोर्ट आए और उसके बाद कोलाबा, तो कितने रुपए लगेंगे? $2,500। ठीक है, आप कार बुक कर दीजिए। ओके, देखा, इसको बोलते हैं। यू श्योर? श्योर, थैंक्स। संभल के जाना। एक्सक्यूज मी, चड्डा ट्रैवल? जी सर, आइए सर। नहीं नहीं, बैठिए बैठिए, थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, आ रहा हूँ मैं। देखते किन जो सैली में
हाँ गगन बोल। अबे कद्दू आधे घंटे से तेरे सामने खड़ी, दिखाई नहीं पड़ रहा तेरे को? अबे तेरे को बोला था मैंने चश्मे के बगैर नहीं दिखता मुझे। अबे डफर जाना। ओके बाय बाय। हाय कना। हाय, आप कार लेकर आए क्या? कार? वो रही गाड़ी? एक्चुअली मैंने कहा था कि कार मत भेजिए, मेरे फ्रेंड आ रहे हैं मुझे पिकअप करने। आप गलत समझ रही हैं मुझे, मैं मिस इंडिया कॉन्टेस्ट से नहीं हूँ। तो वेलकम टू बॉम्बे मिस कनक। शुभेंदु कार में बैठा है क्या? सच अ स्नॉब ही इज। शुभेंदु कम आउट राइट नाउ। सुनिए शुभेंदु, मैं शुभेंदु। चले तुम पहली बार बॉम्बे आई हो ना? हाँ। हैरानी हो रही होगी तुम्हें। किस लिए? नहीं मतलब पहली बार जब बॉम्बे आता है कोई तो हैरान सा रह जाता है। हैरानी तो नहीं लेकिन थोड़ा अजीब लग रहा है। क्यों अजीब? क्यों अजीब सा शहर है, कितनी भीड़ भाड़, सब कुछ बस बिखरा हुआ सा, जिसे देखो बस भाग रहा है। आई वांट अवे। जितनी बड़ी इमारतें उतने ही छोटे घर। मैंने तो सोचा था बहुत खूबसूरत शहर होगा लेकिन ये तो बिल्कुल उल्टा निकला। दिखने में कैसा भी हो शहर, यहाँ के रहने वाले लोग बहुत अच्छे। इट्स अ ग्रेट सिटी टू लिव इन। हाँ लेकिन जो घूमने आए उसके लिए तो काफी डिप्रेसिंग है। आई सपोज सो। और हाँ हाँ हाउ वाज योर फ्लाइट? ठीक थी। गुड। खाना दिया उन्होंने? सॉरी आई मीन डिड दे सर्व यू फूड ऑन द फ्लाइट? हाँ लेकिन मैंने कुछ खाया नहीं। नो आई वाज थिंकिंग अगर अब तुम्हें भूख लग रही है तो मे बी होटल जाने से पहले कहीं यू नो रेस्टोरेंट में रुक के खा सकते कुछ। आई मीन इफ यू आर हंग्री। अरे क्यों भाई मिस्टर पार्ट टाइम वेटर फुल टाइम एक्टर। गुड मॉर्निंग सर। तुम्हारा वो चेक वेक क्लियर हुआ कि नहीं? कहाँ सर चेक वेक बस। अरे यार इतना परेशान मत हो तुम, इसी बहाने उस सेक्रेटरी मोना को तो मिल लेते हो तुम, उसे एक बार डेट पे ले जाओ, तुम्हारे सब चेक क्लियर हो जाएंगे। सर यहाँ जेब में कैलेंडर तक के पैसे नहीं, आप डेट की बात कर रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारा चेक हम क्लियर करवा दें तो हमारा एक काम करोगे? सर जो बोलो करूँगा सर, बताओ आप। तो फिर ध्यान से सुनो। जी। पहले तो एक बियर पिलाओ। जी। उसके बाद जी। मिस्टर रॉय, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज मिस्टर रॉय। आपने खुद आने की तकलीफ क्यों की? बंदे को बता दिया होता, गड्डी भिजवा देता। मैडम आपको पता नहीं कितना बड़ा दीवाना हूं मैं मिस्टर रॉय का, मैं तो क्या पूरा हिंदुस्तान दीवाना है मिस्टर रॉय का। सरका 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 मिस्टर रॉय। गुड मॉर्निंग सर। देखो इधर बॉलीवुड दिस सर। वेरी गुड एक्टिंग सर। रोल खत्म? नहीं अभी गाना है ना। वो गाना हैगा? मजा आ गया। थैंक यू। गुड इवनिंग मैम। प्लीज मैम। नो थैंक्स। क्या खाया जाए भाई? कुछ भी, एनीथिंग लाइट। आई एम नॉट हंग्री। प्लीज तुम ही डिसाइड करो ना, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज कनक तुम ही डिसाइड कर लो प्लीज। जी। I'll have a gnocchi with picante sauce and bruschetta, please. With olive and herbs, ma'am? Yes, please. Rosé? No, I don't drink. Madam, आपके लिए एक बहुत बढ़िया मॉकटेल लेके आता हूँ, ब्लू सेल। Okay. सर आपके लिए? ऐसा कीजिए मेरे लिए 3 तंदूरी रोटी ले आइए और दाल फ्राई और छाछ। सर का फेवरेट हमेशा की तरह दाल छाछ। वाह सर,
थैंक यू। यू लाइक इट? नाइस रेस्टोरेंट ना, लाइक इट? काफी महंगी जगह है, है ना? कितना महंगा है, लेकिन नाम अच्छे रखे सब। हाँ क्या ब्रूस चेता पिकांते न्योकी। और तुम्हारी ड्रिंक का क्या नाम है? ब्लू सेल। उसको हिंदी में ट्रांसलेट करो, क्या मतलब क्या है? नीली बिक्री। ये एस ए एल ई वाला सेल नहीं है, ये एस ए आई एल वाला सेल है, एज इन सेलिंग द शिप। सेल? वेट अ, इट्स अ मिसप्रिंट इन माय थिंग। It said S A. Yes sir. देखिए आपने जो blue sail जो आपने बताया वो क्या लिखा आपने? S A S A I L. It's not S A L E. Sailing the ship हो गया। जाइए। हाँ? जाइए। Thank you. Thank you. Thank you sir. Thank you. It's a misprint. और क्या? I mean, और क्या चल रहा है? कुछ नहीं, वही फाइनल्स की तैयारियां। तुम थर्ड ईयर में तो नहीं हो? मैं सेकंड ईयर में हूँ। तो फाइनल्स? मैं मिस इंडिया के फाइनल्स की बात कर रही थी। उसका भी तो फाइनल्स ही है। It's a great song, huh? Really nice. It's an Italian song. I heard the original version. पूरा मैंने सुना था। काफी टाइम हो गया मैं ऐसी सड़कों में घूम रहा था, बरसात की रात थी। Oh, it was beautiful. और एक रेस्टोरेंट में गाना चल रहा है इटालियन में, Amore mio. Oh, it was so beautiful. I can imagine. वेनिस की गलियां, बरसात भरा दिन, रेस्टोरेंट में म्यूजिशियंस गाते हुए, Amore mio. Amore mio. वेनिस में नहीं, घाटकोपर में सुना था मैंने गाना, एक पारसी के रेस्टोरेंट। काफी टाइम पहले की बात है, मेरे स्ट्रगल के दिन थे। आजकल तो घाटकोपर जाना ही नहीं होता। सर क्या हुआ? फोन है टॉयलेट में। थैंक यू। थैंक यू। एक्सक्यूज मी कनक, जस्ट वन मिनट। ओके क्या हो गया यार गगन, सर क्यों पीट रहा है अपना? अबे कायदे से तो मुझे तेरा सर पीटना चाहिए साले, क्या जरूरत थी तुझे कहने की कि तूने वो गाना यहीं पे सुना हुआ है? अरे मैं वेनिस तो कभी गया नहीं है ना यार। अबे तो वो तुझे वेनिस का नक्शा बनाने को कह रही थी क्या? लोग साला हिंदी गाना शूट करने स्विट्जरलैंड जाते हैं, तू इटालियन गाना घाटकोपर में ठोक रहा है। लेकिन बात कुछ संभाल लिया ना मैंने यार, मैंने कहा ना वो मेरे स्ट्रगल के दिन थे, बल्कि शायद अच्छा ही हो गया, थोड़ा रियलिस्टिक हो गया। रियलिस्टिक? रियल? अगर मैंने ये वर्ड तेरे मुंह से एक बार और सुना ना, मैं तुझे इस वॉश बेसिन में डुबो के मार दूंगा। सब कुछ ग्लॉसी होना चाहिए, टना टन टन, जैसे वो बाहर गाड़ी खड़ी की है तेरी। गाड़ी देख के कौन सा खुश हो गई यार वो। अरे तो वो तो तूने कहा था तेरे काले घने लंबे बाल हैं, तो तुझे गंजा देके थोड़ा तो झटका। तो भाई रिलैक्स बॉयज, रिलैक्स भाई, क्या हो रहा है भाई? नहीं कुछ नहीं सर, एक नया आइडिया पे डिस्कशन। हाँ तो अगर चोरी का हो तो लेके आना, विल प्रोड्यूस इट। अच्छा गगन, वो गोवा वाली शूटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, तुम जाके उधर संभाल लो उसे। हाँ सर, कब जाना होगा? भाई बाहर मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, टॉयलेट से निकल के गाड़ी में बैठो, उसके बाद एयरपोर्ट, 2:30 बजे की फ्लाइट है सीधा गोवा। कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। नहीं सर, थोड़ा कंफ्यूजन था सर। क्या कंफ्यूजन है? सर ये कि एक गंजा है जो गंजा नहीं था, लेकिन आज गंजा है, तो गंजा कैसे हो गया? गंजा है जो गंजा नहीं था, थोड़ा गंजा कैसे हो गया? सिंपल, शेव करा लिया होगा और क्या। डिंग डॉन्ग, ओ बेबी सिंग द सॉन्ग। यस शुभेंदु, मैं निकलता हूं, लेकिन तू घबराना मत, तू टेंशन मत लेना। ओके यस।
सॉरी कनक, थोड़ा टाइम लग गया। हाँ तो ये है तुम्हारी ब्लू सेल्स? सेल्स नहीं, सेल। या सेल, वो सेलिंग द शिप वाला। सॉरी कनक, मैं थोड़ा प्रीऑक्यूपाइड हूँ एक कहानी के सिलसिले में। क्या कर रहे हो आजकल? कुछ नया नहीं, बस वही राइटिंग। अभी लास्ट तो कुछ लिखा नहीं नया, बस वही लिखी थी एक देवदास। देवदास तुमने लिखी है? या कमर्शियल पिक्चर थी, और शरद चंद जी तो कमर्शियल थे नहीं, शरद चंद उसके राइटर जो है। राइटर? हाँ मतलब देवदास उन्होंने लिखी थी, मैंने लिखी है, मतलब नॉवल उन्होंने लिखा था और स्क्रिप्ट मैंने लिखी है, यू नो। मैंने तो कहा भी संजय से कि यार संजय, संजय लीला बंसाली, वो आदमी एक ही नाम। I know. मैंने तो कहा संजय को यार अच्छा खासा क्लासिकल नॉवल है, क्यों उसकी ऐसी की तैसी फेर रहे हो, बट मुझे तो अच्छी लगी थी। अच्छी लगी ना, ये संजय की खासियत है, वो ऐसी की तैसी फेर रहा होता है तो भी अच्छी फिल्म बना लेता। आई मीन ही इज रियली टैलेंटेड, रियली रियली। और वो जो शाहरुख के साथ कॉम्बो है ना उसका, आई टोल्ड शाहरुख, आई सेड संजय शाहरुख कॉम्बो इज रियली गोइंग टू बी, तो वो पलट के कहने लगा कि एक्चुअली इट्स संजय शुभेंदु कॉम्बो विच इज बहुत ही मॉडेस्ट है शाहरुख। और तुम भी तो बात करो ना कुछ, मैं ही बात किए जा रहा हूं। What do I say? कुछ भी। अच्छा बताओ तुम मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में कैसे सेलेक्ट हो गई? कुछ खास नहीं, कॉलेज में एक फैशन शो में पार्टिसिपेट किया था, किसी ने कहा कि मिस इंडिया के फॉर्म्स मिल रहे हैं, भर दिया और एक्सीडेंटली सेलेक्ट हो गई। एक्सीडेंटली क्यों? आई थिंक यू डिजर्व इट। मैं सपने नहीं देखती। क्यों? क्योंकि वो सच नहीं होते। और मम्मी डैडी कैसे तुम्हारे? ठीक है, तुम्हारे मम्मी डैडी कैसे? डैडी तो गुजर गए कुछ साल में। ओह आई एम सॉरी। नहीं, मम्मी अकेली पड़ गई थी तो मैंने उन्हें भेज दिया अमेरिका। अमेरिका में कहाँ? हॉलीवुड। शुभेंदु, ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाय, हाउ आर यू माय लव? शीला कनक, ये शीला। ये शुभेंदु ना कभी किसी को ठीक तरह से इंट्रोड्यूस नहीं कराते। मैं शीला नायर। हाय। शुभेंदु की आने वाली फिल्म की नई हीरोइन, वही जो करण जौहर डायरेक्ट कर रहे, तुमने बताया नहीं? वेलकम 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 टू आवर रेस्टोरेंट मैडम। मैंने आपने पहले क्यों नहीं बताया, अपनी पर्सनल गड्डी भिजवा देता आपके लिए। मैडम आपको पता नहीं कितना बड़ा दीवाना हूँ मैडम का, मैं तो क्या पूरा इंडिया दीवाना है मैडम का। मैडम प्लीज एक छोटी सी फोटो हो जाए। अरे नहीं आज नहीं, प्लीज मैडम, प्लीज मैडम, प्लीज आज नहीं, प्लीज मैडम, दिल रह जाएगा हमारा। हर फ्राइडे रेस्टोरेंट बंद रहता है सिर्फ आपकी फिल्म देखने। ओह कम ऑन, अच्छा चलिए। थैंक यू जी मैडम, थैंक यू जी। मैं मैडम प्लीज ओवर ना, आज भी रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा मैडम, प्लीज प्लीज। ओके स्माइल। थैंक यू, थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। These fans are so loving. Fan hai tumhari? Nahi Sheila, this is Kanak, my friend, my internet friend Kanak. Oh, friend. To tum ho Kanak. Shubendu har waqt tumhari baat karta rehta hai. Kanak ye, Kanak wo, Kanak ye. He just doesn't stop. Ab tum itni achhi dost ho uski, to samjhati kyun nahi ho? Kahan ye writing writing chhod kar acting ke chakkar mein pad raha hai? Tum acting bhi karte ho Shubendu? तभी तो ये हाल है, स्पीलबर्ग की फिल्म कर रहा है, अब कैरेक्टर की डिमांड है गंजा, तो अब बाल शेव करा के गंजा हो गया है।
30 किलो वजन भी घटा लिया है और 24 साल की उम्र में बेचारा 40 साल का लगने लगा है. जस्ट लुक एट हिम, लुक एट हिम, लुक एट हिम. हां बेबी, व्हाट डू यू थिंक? कितनी बार मैंने इसे समझाया कि इतनी कमिटेड एक्टिंग करोगे तो भरी जवानी में बूढ़े लगने लगोगे. एनीवे, आई डोंट लाइक दिस. आई गॉट गो, मेरी शूटिंग है. पर सुनो, तुम्हें शूटिंग पे जरूर आना और तुम्हें लेकर आना. ओके, आई गॉट गो बेबी. बाय बाय शीला, हैव फन एंड थैंक्स. तुमने अपने बाल शेव करवाए हैं? या आर यू 24? या ऑफ कोर्स आई एम 24. व्हाट डिड यू थिंक? बस रखना जागू मैं सारी सारी रात, जागू मैं सारी सारी कनक, तुम कह रही थी तुम्हें सपने देखने में यकीन नहीं. एक्चुअली मुझे सपने देखने से डर लगता है. अच्छा, क्यों? क्योंकि वो सच नहीं होते. एक बात बोलूं कनक, इस दुनिया में जो भी कुछ है ना वो सच है, क्योंकि वो है, इट एग्जिस्ट. सपना कभी झूठ नहीं होता कनक, क्योंकि वो होता है. होता है इसलिए तो आप देख पाते हैं उसे. हाँ, तुम्हें लगता है कि मैं मिस इंडिया बन पाऊंगी? लगता है? मुझे पक्का मालूम है तुम मिस इंडिया बनोगी. मुझ में ऐसा क्या है कि मैं मिस इंडिया बन सकती हूँ? सच बताऊँ, दुनिया में सबसे खूबसूरत आँखें हैं तुम्हारी कनक, जिनमें बहुत सारे खूबसूरत सपने हैं. आई डोंट बिलीव दिस. यही तो प्रॉब्लम है. एक बार यकीन करके देखो, चीज़ें आसान हो जाएंगी. तो मैं बताऊँ कनक, सूरज क्यों निकलता है हर रोज? हर सुबह इसलिए निकलता है ताकि तुम्हारा खूबसूरत चेहरा देख सके, और रात को तुम्हारे सपने लिए सो जाता है, और सारी रात इंतजार करता है कि कब सुबह हो, कब मैं दोबारा उठूँ, और कब दोबारा तुम्हारा चेहरा देखूँ. तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो कनक, सच. मैं गलत थी, यहां से शहर कितना खूबसूरत लगता है, है ना? I'll miss Bombay. अब तो हॉलीवुड में रहना पड़ेगा ना जाके. चलें. शुभेंदु. What? मैं तुमसे एक बात कहना चाहती थी. हाँ बोलो ना. शुभेंदु, आज से पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा था, पर एक तस्वीर थी तुम्हारे मेरे मन में, एक खूबसूरत, बहुत खूबसूरत शुभेंदु की तस्वीर. I was so excited to come to Bombay. मैं तुमसे पहली बार मिलने वाली थी, सोच रही थी शुभेंदु ऐसा होगा वैसा होगा. पर आज जब मैंने तुम्हें एयरपोर्ट पर देखा तो हर चीज गलत हो गई थी. मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, गुस्सा आ रहा था तुम पे. मुझे लगा तुमने मुझे धोखा दिया है. मन करा था तुम्हें पकड़ के पूछूं कि क्यों, क्यों कहा तुमने मुझसे इतना गंदा झूठ. फिर मैंने देखा कि सब तुम्हारी कितनी इज्जत करते हैं. ये सच अ बिग मैन, येट सो सिंपल. कितना कुछ अचीव किया है तुमने. तुम्हारी अचीवमेंट्स के सामने आई एम एब्सोल्युटली नथिंग. डोंट से दैट. नो, आई एम नथिंग. पर फिर भी कितना घमंड है मुझे अपने आप पर. और तुम ऐसे आ गए मेरे सामने एयरपोर्ट पे, तुम्हें जरा भी कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं क्या सोचूंगी, मुझे कैसा लगेगा? You know what? I'm really lucky to have a friend like you. Am I making any sense? Yeah. You are making sense. मुझे पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, पर शुभेंदु,
मैं तुमसे I think I really... कनक, इससे पहले कि तुम कुछ कहो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कनक, आज सुबह से तुम जो भी देख रही हो ना समझ रही हो वो सब झूठ है कनक। वो गाड़ी मेरी नहीं है, किराए की है। ये सूट भी किराए का। मैंने आज तक कोई फिल्म नहीं लिखी है। 3 साल से झक मार रहा हूं मैं बॉम्बे में और घाट के ऊपर में रहता हूं। और ये जो बाल है ना मैंने शेव नहीं कराए कनक, ऐसे ही हैं। मैं गंजा हूं एंड आई एम नॉट 24 और मैं तुम्हें ठीक से देख भी नहीं पा रहा हूं कनक। एंड आई वॉन्ट टू सी यू। सच में बहुत खूबसूरत हो कनक, रियली लाइक अ ड्रीम। सॉरी कनक, सॉरी फॉर एवरीथिंग। आज मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूं हमेशा हमेशा के लिए। सोचा जाते हुए आपको नमस्ते करता चलूं। मनो जी कोई भूल चूक हुई हो मुझसे तो माफ कर दीजिएगा। बस इतने में ही हार मान ली? नहीं मनो जी, इस शहर ने मेरा सब ले लिया लेकिन 2500 का चेक नहीं दे पाया। क्यों ना, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम कभी भी चेक सही टाइम पे नहीं मांगते हो। मतलब आज जाते जाते भी मैं ही गलत हूँ? हेलो मैडम। हेलो ब्रदर। आज 1 तारीख है, मैं चेक लेने आया हूँ मिस्टर शुभेंदु रॉय का। आपका कोई चेक नहीं है? अरे ठीक से चेक करो ना मोना डार्लिंग। सॉरी यार, मिस्टर सिद्धवानी हमारा चेक कभी नहीं रोकते। देखिए आज के बाद आपके सारे चेक्स रोक दिए गए हैं और मिस्टर सिद्धवानी के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि आपको भी इस ऑफिस में आने से रोक दिया जाए। अब आप जा रहे हैं या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? शीला, ये मोना पागल होगी, कह रही कि सिद्धवानी ने मुझे आउट कर दिया। तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। ओके मैम। ओके मैम। तुम्हें ही नहीं शुभेंदु को भी। क्या? लेकिन हमने ऐसा क्या किया? तुमने नहीं, शुभेंदु आया था कुछ 4 दिन पहले, बहुत चीखा चिल्लाया, कह रहा था कि मैं ये झूठ की जिंदगी जीते जीते थक गया हूँ। खुद तो अपना सीरियल से नाम हटवा लिया और साथ में सिद्धवानी को भी चोट कहा उसने। गधा कहीं का, खुद भी मरा और मुझे भी मरवा दिया। क्या समझता है अपने आप को? इस सिद्धवानी के बच्चे को मैं बर्बाद करके रख दूंगी। हटो यहाँ से, ये सब मैंने बनाया। हाँ, सही टाइम है। मैंने ये सब किया, बिल्कुल भूल गया। मैडम, I'm going to show him. I made him and he treats me like this, like this. सुनिए तो। Don't talk to me. मैडम, just don't talk to me, all right? मैडम, क्या है? मैडम, मुझे मेरा चेक मिल सकता है? कितने का है? 2500। ये लो 25,000। अब जाओ और इस प्रोडक्शन हाउस को लूट लो। मेरे साथ खाना खाने चलेंगे? सिद्धवानी तो गुस्से में पागल हो गया, सबको निकाल दिया, तुम्हें भी निकाल दिया क्या? नहीं, मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। विच? मैं क्या जी, छोड़ो जी, लेट गो। तो पीके? पीके? पीके नहीं आया दोस्त, सेलिब्रेट कर गया हूं, अभी तक सेलिब्रेट कर रहा हूं। Cheers. क्या सेलिब्रेट कर रहा? भैया एक वजह हो तो बताओ। The 10 finalists for Miss India.
अनन्या कौर फ्रॉम चंडीगढ़, पायल गर्ग फ्रॉम मुंबई, कनक दत्ता फ्रॉम दिल्ली। अरे तेरी चैट फ्रेंड मिस कनक दत्ता, मिस इंडिया की फाइनलिस्ट। अरे बॉस, तू मिस इंडिया की फाइनलिस्ट का बॉयफ्रेंड है। चीयर्स। मुझे एक बात बता, उस दिन मैं तो रेस्टोरेंट से चला गया था, हुआ क्या उस दिन वहां पे मेरे जाने के बाद? क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई? नहीं कुछ नहीं, हम लोग गए घूमने, बहुत बातें की, समंदर किनारे भी गए, और वो बोली कि शी इज प्राउड टू बी माई फ्रेंड। लवली लवली, चीयर्स। गगन, मैं अपने आप को ना बहुत छोटा और कमजोर महसूस करने लगा, मतलब मैं उसको झूठ पे झूठ बोले जा रहा था एक के बाद एक, और वो मेरी हर बात का विश्वास कर रही थी, यू नो। फिर मैं उसके विश्वास को धोखा नहीं दे पाया, मैंने उसको सब कुछ सच बता दिया। उसके बाद तू नयन सिद्धवानी के ऑफिस में गया, सीरियल से अपना नाम वापस लिया, नयन सिद्धवानी को चोर कहा। ये झूठ वाली जिंदगी मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही थी गगन। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, सच बोलना तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी हिम्मत का काम है सच बोलना, तो ऐसे लोग तो मिलते नहीं हैं आजकल। और वो तेरी मिस कनक दत्ता, वो तो मर मिटी होगी तुझ पे सच बोलने के बाद। मर मिटी की नहीं, वो तो पता नहीं, बट आई एम श्योर उसे अच्छा लगा होगा ये जान करके मैंने सच बोला उससे। साले, जब 10,000 गधे मरे होंगे ना तब तू पैदा होगा साले, गोबर नहीं है तेरे सर में, पूरा गोबर गैस प्लांट है, सड़ गया तेरा दिमाग हरिश्चंद्र। तेरी सच्चाई जाने के बाद उसने एक बार भी फोन किया तुझे? हाँ, एक पास तक दिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट का। अपने अंकल के अंदर जब उसे तेरी सच्चाई के बारे में पता लगा होगा वो कुछ नहीं हुई होगी, शी वुड हैव बीन डिस्गस्टेड विद यू, साला गंजा टेढ़ा मेढ़ा उल्लू की आंखों वाला जाके पुदकता हुआ पहुंच गया सिद्धवानी के पास। सारे सपने सारी प्लानिंग चकना चूर कर दी साले तूने। तुझे सच्चाई सुनने का बहुत शौक है ना, तो सुन सच्चाई साले, आज सिद्धवानी ने प्रपोज किया शीला को, प्रपोज। तूने उसे बताया नहीं तू प्यार करता उसे? जब वो पूछती क्या खिलाऊंगा मैं, क्या कहता उसको? हाँ, कि आओ हमारे घर में गर्मा गर्म सच्चाई मिलती है। हाँ, साले सिद्धवानी के झगड़े के बाद तुझे मुझे कोई काम नहीं देगा, एक मौका मिला था सब कुछ बर्बाद करके रख दिया तूने। मेरी बात तो सुन यार गगन। चुप साले, मुझे यार नहीं बोलना, यार नहीं बोलना मुझे साले। तेरी माँ ने तेरा नाम शुभेंदु क्यों रखा? तेरा नाम उसको सुसाइड करना चाहिए था, क्योंकि जो तेरे साथ रहेगा ना वो सुसाइड तो करने लगा। माँ बाबूजी, आज मैं आप ही को दोष देता हूँ, क्योंकि आपने कहा था कि हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि आपने कहा था कि हमेशा सच की जीत होती है। सर बिल। सर ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है। वन मोर ड्रिंक यार रिचर्ड, कम ऑन यार, वन मोर ड्रिंक यार रिचर्ड। हट साला, 15 साल से यहाँ पे दारू पी रहा हूँ रिचर्ड, एक ड्रिंक नहीं तुम लोग और दे सकते मेरे को, तुम लोग सब चीला हो गए हो। अब क्यों आई हो यहाँ? सिद्धवानी ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन ये किसने कहा कि मैंने हाँ किया?
Stupid. लेकिन तुम तो स्टार बनना चाहते थे ना? हाँ, तुम्हें बर्बाद करने के लिए, लेकिन वो तो मैं अब भी कर दूंगी. ले भाई, मेरा तो हो गया, तेरा क्या होगा? And now is number four, the beauty from the capital, Miss Kanak Datta. अच्छा कनक, ये बताइए, आप अपने आप को खूबसूरत मानती हैं? Beauty lies in the eyes of the beholder. बहुत अच्छा कहा, लेकिन ये बताइए कहा किसने? David Hume. David Hume. अच्छा ये बताइए, आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? देवदास के राइटर कौन थे? शरदचंद्र. अरे शरदचंद्र. अच्छा मिस ये बताइए कि आपकी फेवरेट सिटी कौन सी है? हैज टू बी बॉम्बे. ऑलराइट, बट व्हाई? यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं. इट्स अ ग्रेट सिटी टू लिव इन. अगर आप मिस इंडिया बन गई तो आप क्या करेंगे? I repeat my question. अगर आप मिस इंडिया बन गए तो आप क्या करना चाहेंगे? शुभेंदु. अगर मैं मिस इंडिया बनी तो मैं वर्ल्ड पीस के लिए काम करना चाहूंगी. यही मेरा जवाब था. मैं यही कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई. चाहकर भी मैं झूठ नहीं बोल सकी क्योंकि तुम्हारा चेहरा मेरे सामने आ गया. शुभेंदु, उस दिन कितनी आसानी से तुमने मुझे कह दिया कि कनक मैं झूठ बोल रहा हूं. कितनी तकलीफ हुई होगी तुम्हें, कितना ह्यूमिलिएटेड फील किया होगा तुमने, फिर भी तुमने सच कहा क्योंकि शुभेंदु तो कभी झूठ नहीं बोलता. He's an honest man. और आज तुम्हें याद करके मैं झूठ नहीं बोल पाई. सच तो ये है कि अगर मैं मिस इंडिया बनी तो मैं हिंदी फिल्मों में ट्राई करना चाहूंगी. I want to be an actress. Thank you.
सॉरी माँ बाबू।